नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल जा। वर्षों का इंतजार तो खत्म हुआ, मगर आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है यहाँ की। जी हाँ, ये वो अस्पताल है जो कि कई सालों से बंद पड़ा था और कोरोना ने इसे खुलवा दिया। जो कोरोना वायरस का डर था, कहर था, उसमें कहीं ना कहीं इस अस्पताल की उपयोगिता मानी जा रही थी और ये अस्पताल आज खोल दिया गया है। फिलहाल आज तो शुभारंभ जरूर इसका हो गया है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो वो कहीं से कहीं तक दिखती हुई नहीं नजर आ रही है। जांचों के लिए यहाँ लोग तो आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से परेशान है वो आप कैमरे की नज़र में साफ साफ देख रहे होंगे। हम लोगों से अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ यही नज़र आ रहा होगा। हम अच्छा चलते हैं, कुछ लोगों से बात ही कर लेते हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी सर। अच्छा, यहाँ पे काहे के लिए आए थे? सर जांच करवाने के लिए आए थे, मोहल्ला वाले सर इतराज कर रहे थे तो 4 बजे सर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए थे। सुबह चार बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद यून भेज दिया गया 9 बजे। हाँ। अब कुछ साधन ही नहीं मिल रहा, कहीं इधर लेन यही हो रहा है। देखिए बार बार फिर वही बात दोहराने को पड़ रही है कि जिस लिए यहाँ पर बनाया गया था, जो सेंटर बनाया गया, जांच सेंटर बनाया गया, ना ही तो यहाँ पर अभी तक स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था की गई है, लेकिन पेशेंट को जिला अस्पताल से यहाँ जरूर भेज दिया जा रहा है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। काहे के लिए आए थे यहाँ? जांच कराने आए थे, कल जगतपुर चौकी से नई बस्ती हमारे यहाँ पहुँचे थे लोग। हम कल कानपुर से आए थे हैं तो कानपुर से बोले जाके जांच कराओ, ये तो डंडे पड़ेंगे। तो हम लोगों ने फिर डिस्ट्रिक्ट गए सुबह 6 बजे, 6 बजे से वहाँ बैठे रहे, लाइन में लगे रहे, तो 9:20 पे एक अधिकारी पुलिस वाले ने बोला आप जो है हिनाजगंज गौडिया के पास एक हॉस्पिटल बताओ। हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बताया और बोला वहाँ ढूंढे, तो ढूंढते हम कालीवाड़ी होके यहाँ पे आए, तो पहले लाइन में वहाँ लगे रहे, वहाँ से फिर यहाँ लगे, मगर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुई कि मरीज को भी कोई इलाज या कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन लगातार जो आप सुनते हुए आ रहे होंगे वो यहाँ पर देख रहे होंगे कि लोग तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, हालांकि व्यवस्था की बात की जाए तो वो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मगर पब्लिक की बात अगर हम करेंगे तो जो भी बाहर से जो भी लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हालांकि हम आपको बता दें कि 3-4 दिन से जब से कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है, हालांकि जिस घर में मिला था उस घर के 5 व्यक्ति और भी संक्रमित हो चुके हैं, उनकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। इससे पूरी बरेली में हाहाकार तो मचाई हुआ है, साथ ही लोग जागरूक भी हो गए हैं और जो निकलने की बात हो रही घर से तो उसमें भी बहुत सारी कमियां आई हैं कि अब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे इसी हॉस्पिटल की, तो आप देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल का शुभारंभ तो हो गया, कोरोना वायरस ने कर दिया, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भीड़ की बात करेंगे, तो लगातार यहाँ पर जो भीड़ की संख्या है, लंबी सी लाइन लगी हुई है और जो लॉकडाउन का जो सोशल डिस्टेंस का जो बात कही जा रही थी वो यहाँ पर फिलहाल टूटती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस लगातार, ये लोग जो यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं ये शासन प्रशासन को लगातार फोन करे जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई फोन की बात करेंगे तो यहाँ पर ना तो कोई फोन उठा रहा है। और यहाँ की व्यवस्था, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम जाफर अली है, मुझे डिस्ट्रिक्ट गया था तो डिस्ट्रिक्ट घर से लौटा दिया गया, बोले यहाँ पर व्यवस्था है खुर्रम गौडिया में अस्पताल। जब यहाँ पर आए तो 1-2 घंटे सर 5 बजे को उठा हुए, सर 5 बजे को उठा हुए। मेरा नाम इस मोहम्मद, कोई जांच वगैरह लौटा दिया गया, सिर्फ पर्चा बनाकर दिया गया है नॉर्मली। सर ऐसी पर्चे बना के सर 5 बजे से उठ के हमने 7:45 डिस्ट्रिक्ट पहुंचे सर, 3 घंटे सर लाइन में लगे रहे वहाँ से। वहाँ से उन्होंने अधिकारी ने हमसे कह दिया कि आप खुर्रम गौडिया पहुंचो। सर वहाँ से इस टाइम हो गया सर, देखिए आप भीड़ का आलम। सर अभी तो कुछ पब्लिक इधर दूर हो भी गई है सर, बिल्कुल करीब करीब पब्लिक खड़ी हुई है अपने। सर ये बताइए, हम घर में तो हम जब भी सुरक्षित है, लेकिन फिर मोहल्ले वाले भी हमारी हमसे ये कह रहे हैं भाई तुम अपनी जांच कराओ, फिर पुलिस भी आ रही तुम अपनी जांच कराओ। सर ये बताइए, हम खुद डरे हुए हैं, हम अपने घर वालों से हम परहेज कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए हमारा इधर भी काम नहीं हो रहा है, घर में भी हम रह नहीं सकते सर, हम बताइए क्या करें। ये बताइए सर, बात सही, कहीं ना कहीं कहना सही है इनका भी कि हम इससे सुरक्षित तो अपने घर में थे, लेकिन यहाँ आके जिस पब्लिक की भीड़ में आके हम कहाँ से सुरक्षित होंगे। जी हाँ, आप लगातार आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि इस कैमरे जो है पब्लिक की ओर की किया करें, और आप लगातार जो भीड़ की संख्या देख रहे होंगे और सोशल डिस्टेंस के तो जो धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पे वो साफ देख रहे होंगे, और ना ही तो यहाँ पर कोई पुलिस का कर्मचारी है और ना ही यहाँ पर अस्पताल परिसर का कोई कर्मचारी है। जी हाँ, जिस तरीके का यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था बिल्कुल चौपट नजर आ रही है। और हम जो लाइनों की बात कर रहे थे आपसे, लगातार हम बताते आ रहे हैं
कि जो जांच करवाने के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, तो उस लाइन की अगर हम बात करेंगे तो आप, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप लाइन भी आप देख सकते हैं कि कितनी दूरी पे, लगभग इधर की दूरी पे साफ साफ बताया गया है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आज जांच के नाम पर यह अस्पताल तो खोल दिया गया, शुभारंभ तो कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को और आगे तक ले जाएगी। हालांकि जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक मरीज मिलने के बाद संक्रमित हुआ, उस घर के फिर 5 मरीज हुए, 5 बरेली के अंदर पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी आंखों पे पट्टी बांधे घूम रहा है। इस सच्चाई को आप लगातार देख सकते हैं, हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे खड़े हैं। अगर यही हाल रहा तो कहीं ना कहीं बरेली एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। भैया क्या नाम है आपका? जी फरमान खान नाम है। फरमान भाई कहाँ से आए हो? जी दिल्ली से। दिल्ली से आए हो और यहाँ पर जांच कराने आए थे? जी जांच कराने आए, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे, कोई सुनवाई नहीं है, कभी कह रहा है डिस्ट्रिक्ट जाओ, कभी कह रहा है यहाँ आओ, यहाँ आते आते और वहाँ आते आते हम थक गए, और ना ही कोई लाइन में ना ही कोई जाँच हो रही है, कोई टेस्टिंग के लिए ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई प्रशासन है लाइन लगाने के लिए। लोगों का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, इससे दूर पे लोग बिल्कुल चिपक चिपक के खड़े हुए हैं। अगर कोरोना वायरस नहीं भी फैलता है तो फैल जाएगा। तो यहाँ ये बरेली के हालात है। अब मैं खुद कल आया था जाँच कराने के लिए, मैंने जब डिस्टेंस देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जिला अस्पताल है अपने बरेली का, तो उसमें भी इतने इतने करीब लोग खड़े हुए थे, तो मैं खुद वापस हो गया वहाँ से। अगर मुझे नहीं है मान लो, क्योंकि मोहल्ले वाले बोल रहे हैं। तो आपको जांच कराने के लिए किसी ने कहा था? जी मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि तो आप दिल्ली से आए, सब लोग दूर जा रहे हैं, कोई भी हमसे नहीं मिल रहा है, सब मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं कि आप जांच करा के आओ। देखिए कहीं ना कहीं जो डर है वो लगातार बरेली वासियों में बना हुआ है, और बात भी सही है कि लोग बहुत सारे यहाँ पर जो दिल्ली से आए हैं और नोएडा से आए हैं, तो वही दिल्ली नोएडा का ही केस जो पॉजिटिव मिला वो भी वहीं का है, तो लोग डरे हुए भयभीत हैं। और मोहल्ले में जब रहने जाते हैं तो साफ इन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ मत रहें और पहले जांच करा के आए, लेकिन जब जांच कराने आते हैं तो यहाँ का मंजर कुछ और ही दिखता है। आप लगातार देख सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ है और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी हो रही, साफ साफ अनदेखी की जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम तो अलीगढ़ से आए थे तो जांच कराने लगे, हम बरेली रहते अलीगढ़ 4-5 दिन काम से, और लौट गया तो मोहल्ले वाले पुलिस कंप्लेंट करी, फिर वाले रात हमें डांट रहे थे, फटकार रहे थे हमारे मोहल्ले वाले, बोले जांच करा के आओ, जांच करा के अलीगढ़ से तब भी जांच करा रहे हैं हमारी, और जांच कराने वाले। देखिए कहीं से भी अगर मोहल्ले के अंदर कोई बाहर से व्यक्ति आता है, वो या वो काम करता हो या कहीं घूमने गया हो, और बात भी सही है, या किसी काम के लिए भी गया हो, तो वो व्यक्ति अगर आता है तो उसे साफ साफ मोहल्ले वाले ही जागरूक कर देते हैं कि आप जाइए और जांच करा के आइए, लेकिन जब यहाँ लोग पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का जो धज्जियां उड़ रही हैं, वो इस अस्पताल में, हालांकि आज ही शुभारंभ हुआ है, उस अस्पताल की साफ साफ धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर दिखेगी आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार। सर